सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज का कहना है कि बगैर हेलमेट माल और जेल रोड पर दाखिला बंद कर दिया जाएगा। अब तक 2 लाख से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं, मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग इस वक्त सीटीओ लाहौर के साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल चौक में मौजूद हूं और हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। सीटीओ लाहौर ने आज हेलमेट भी शहरी में तकसीम किए। इनसे जानते हैं कि कितने फीसद हादसात में कमी आई है। अच्छा सर, ये बता दें, आज हेलमेट भी आपने तकसीम किए, कितने फीसद तक कमी आई है और ज़रूरी है ये लोगों की सेफ्टी है? पिछले साल रमज़ान जो है 263 हादसात हुए पहले 6 माह में, जो ये तादाद कम हो के अभी 190 तक पहुंच गई है। 2 लाख से ज़्यादा चालान जो है पिछले 2 हफ्ते में किए जा चुके हैं और जो हमारी मेन रोड है जिससे ट्रैफिक हाई स्पीड में फ्लो करती है, जैसे फिरोजपुर रोड है, केनाल रोड है, माल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे लोग हादसात का शिकार ज़्यादा होते हैं। कितना चालान कर रहे हैं हेलमेट ना पहने? फिलहाल 200 रुपये चालान कर रहे हैं। 200 रुपया चलान कर रहे हैं और हेलमेट लाजमी है। जे रोड, मार रोड, केनाल रोड पर बकायदा तौर पर इसकी कंपेन जारी है और आइंदा भी ये ना पहनने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आज इन्होंने हेलमेट तकसीम किए हैं शहरी में और पैगाम दिया है कि हेलमेट जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी हफाजत बहुत ज़रूरी है। जी।